तो गंगा के आसपास गुरुकुल चलते थे तो एक शब्द था शिष्य, वो शिष्य शब्द पंजाब में जाकर के सिख बन जाता है। माने शिष्य क्या करता है जी, सीखता है। और सिख किसे कहते हैं, जो सीखता है वही सिख है। और उसके बाद यही शब्द जब आप पंजाब पार करके पाकिस्तान पेशावर लाहौर पार कर जाएंगे, बलूचिस्तान पहुंच जाएंगे, तो ये शब्द बन जाता है शेखू। और शेखू शब्द कहते थे शेखी मारना, जो अपने सीखे हुए की बढ़ाई करे, आज भी प्रचलित है ये, तो उसे कहते थे शेखी मारना। अब अफगानिस्तान से नीचे उतर करके जब ये शब्द अरब की तरफ पहुंचता है, शब्द एक ही है, जब वो शब्द वहां पर पहुंचता है तो ये शब्द बन जाता है शेख। ध्यान करना, शेख कैसे रहते हैं, सिर पर कपड़ा बांध करके, वो पूरे चोगे में ही रहते हैं और वो पूरी वैदिक परंपरा है। तो शिष्य का एक विशेष वस्त्र होता था। अब विचार करने की आवश्यकता यह है कि जैसे एक शब्द टूट करके अरब तक पहुंच करके शिष्य शब्द शेख बन गया, गणेश शब्द से इंग्लिश में एक शब्द बनता है जीनियस। जीनियस की जब आप स्पेलिंग देखोगे तो जीनियस का मतलब होता है बुद्धिमान और गणेश का मतलब भी बुद्धिमान। गणेश की स्पेलिंग आप रोमन भाषा में लिख करके देखना और जीनियस की स्पेलिंग मैच करके देख लेना, जीनियस शब्द गणेश का ही अपभ्रंश शब्द है, मतलब बिगड़ करके बना हुआ रूप है। मैथमेटिक शब्द मथमस्तिष्क शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। इसी प्रकार से ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को आप देख रहे होंगे, सिंधु नदी से जो उधर उधर रहते थे जहां गुरुकुल की परंपरा समाप्त हो गई, वो सारे के सारे लोग, सिंधु जो शब्द था ये पहले इंदू बना, इंडस बना, फिर ये हिंदू शब्द बन गया। अंग्रेजों ने हमें इंडस कहा और अरब वाले थे उन्होंने हिंदू शब्द कहा। अभी आपने अफगानिस्तान की सारे के सारे वाकया के अंदर एक शब्द सुना होगा जिसको हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। तो हिंदू कुश पर्वत का मतलब ये है, जहां पे अरब वालों ने आकर के, उनकी डिक्शनरी में अरब में हिंदू का मतलब होता है काला, काफिर, चोर, उचक्का, बदमाश और लुटेरा, ये हिंदू का मतलब है अरबी भाषा में। तो मेरा निवेदन ये है कि वो लोग जब हिंदुओं पे आक्रमण करते हैं तो अपने लोगों को ये बताते हैं कि हिंदू कौन, जो चोर, लुटेरे, उचक्के, बदमाश, वो है हिंदू, और उन हिंदुओं का हमें संहार करना है। तो हिंदू कुश पर्वत, जिसको पारिजात पर्वत भी कहा जाता है, वहां पर आकर के उन्होंने, जो हिंदू व्यापारी थे बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि वो सिल्क रोड भी कहा जाता, वहां से सिल्क रोड गुजरता था, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो वहां पर बड़ी मात्रा में हिंदुओं का संहार किया गया, हिंदू व्यापारियों को मारा गया। और आज भी उस पर्वत का नाम हिंदू कुश पर्वत है। जैसे आपने सुना होगा खुदकुशी को, खुद कुश का मतलब होता है खुद को मारना, हिंदू कुश का मतलब होता है हिंदू को मारना। आज आप देखिए अफगानिस्तान मुस्लिम देश है, लेकिन उस स्थान का नाम हिंदू कुश है, इसका मतलब वह हिंदुओं का और लाखों की संख्या में लगातार नरसंहार किया और हिंदू कुश पर्वत को रक्त से लहूलुहान कर दिया गया था तुर्कों के द्वारा और अरबों के द्वारा। अब ये नाम वहां पर क्यों रखा गया, क्योंकि वो अपनी डिक्शनरी के हिसाब से बताते हैं कि हिंदू जो होता है वो काला, काफिर, चोर, उचक्का, बदमाश होता है, तो इसलिए ऐसों को मारना चाहिए। तो अरब के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत पे आक्रमण नहीं करना चाहते थे, लेकिन चालाक कम्युनिस्टों ने, कम्युनिस्ट केवल अभी की देर नहीं, बहुत पहले से चले आ रहे, जिन्होंने भाषाई शब्दों से छेड़छाड़ करी, तो उन्होंने क्या करा, हिंदू शब्द इसलिए गढ़ा कि अरब से, तुर्क या तुर्किस्तान से या फिर बाल्टिक प्रदेशों से लोगों को ये कह सके कि भाई चोर, उचक्के, बदमाश रहते भारत में, उनका संहार करना है। तो लाखों की संख्या में लोगों को भर्ती किया जाता कि हमें दुनिया को सुधारना है। वो लोग जब मारने के लिए यहाँ पर आते तो हमें वो क्या कहते थे, हिंदू कहते थे, ये वो कहते थे। जैसे हम क्लास में किसी का नाम श्याणा रख दें, अब उसका नाम श्याणा थोड़ी है, वो तो रमेश होगा उसका नाम। हम किसी को कुत्ता कह देते, नाम उसका कुत्ता थोड़ी है, नाम तो उसका अपना होगा। तो ये नाम विदेशियों ने बहन जी हमें दिया, हमारा नाम आर्य था। ध्यान करें, विदेशियों ने हमें नाम दिया, जैसे आर्यावित जी ने बताया हिंदुस्तान, उन लोगों ने कहा हमारे इस प्रदेश का नाम तो आर्यवर्त देश था। ये आदरणीय अमित जी जो अभी बता रहे थे बिल्कुल सही बता रहे थे। इसलिए अपने बच्चों को ये जरूर बताएं, हिंदुस्तान की सीमा अफगानिस्तान तक नहीं थी,
आर्यवर्त की सीमा थी वहां तक, अखंड आर्यवर्त की सीमा थी ईरान इराक तक, हिंदुस्तान की सीमा तो सिमटती जा रही। जब से इसका नाम हिंदू रहा तब से ये बिंदु की तरफ घटता ही जा रहा है, और जैसे ही आप आर्य शब्द से जुड़ जाते हैं तो आप बढ़ने लगते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर देता हूं, अगर हमारे बच्चों को ये आर्य और हिंदू शब्द का अर्थ नहीं पता होगा, ठीक है, आज सरकार भी हमें हिंदू के रूप में पहचानती है, संविधान भी आपको हिंदू ही कहता है, लेकिन हिंदू शब्द का सर्वत्र विरोध ना करें, सर्वत्र विरोध ना करें, किसी परधर्मी के सामने भी इस शब्द का विरोध ना करें, क्योंकि आज जैसे भी है हम इस शब्द से ही संगठित हैं। लेकिन इतिहास की जानकारी जैसे बहन ने पूछी, ये जानकारी हमें होनी चाहिए और अपने बच्चों को आर्यकरण से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। संघ वालों को ये इतिहास संभवतः पता भी है लेकिन वो बताते नहीं है, जबकि ये बताया जाना चाहिए कि हम आर्यवर्त के रूप में, हमारी सीमा ईरान इराक से लेकर के और इधर इंडोनेशिया तक लगती थी, तब हम आर्यवर्त के रूप में थे, लेकिन जैसे ही हम हिंदू बने और हमारा प्रदेश हिंदुस्तान कहा जाने लगा तो हम डरपोक, काला, काफिर, चोर। आपको एक और नेता का नाम बता देता हूं, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आया था, और अहमद शाह अब्दाली जब डर करके हारने लगा था तो अहमद शाह अब्दाली ने कहा कि अरबी के अंदर हिंदुओं को डरपोक कहा जाता है, ये डरपोक लोग हैं। तो अहमद शाह अब्दाली ने जैसे अपनी सेना को कहा कि कुछ देर के बाद ये हथियार डाल देंगे, तुम लड़ते रहो, वो तो डर करके जा रहा था, लेकिन जब इस बात को कहा कि हिंदू का मतलब ही डरपोक होता है, तो आप समझ जाइए जैसे गीदड़ के बारे में क्या कहते हैं जी, गीदड़ डरपोक होता है। जब ये कह दिया गया तो दोबारा सेना टूटी और एक एक व्यक्ति को जिसको काटा गया, इन्होंने कहा तू डर के। बहन आपको शायद इस शब्द का अंतर पता लग गया होगा और कोई प्रश्न करे, लेकिन फिर मैं कह देता हूँ, सार्वजनिक जीवन में हिंदू का विरोध आप बिल्कुल न करें, क्योंकि आज हम इसी शब्द से एकत्रित है। जब आप विवाह संस्कार करने जाते हैं तो आपको आर्य नहीं मिलता, आपको हिंदू ही मिलता है, उस हिंदू को ही आप आर्य बना सकते हैं, और हिंदू सर्वाधिक आर्यों के निकट है। गुरुकुलों में जो बच्चा जाता मुसलमान का बच्चा नहीं जाता, हिंदू का ही बच्चा जाता है, उसी को आर्य बनाया जाता है। इसलिए हिंदुओं का विरोध नहीं करना है जी, हमें हिंदुओं के साथ संगठन बना करके इस राष्ट्र को मजबूत करना है, लेकिन इतिहास को जानना बहुत आवश्यक है। जैसे भगवान राम भगवान कृष्ण ये जाट नहीं थे, ये शर्मा जी नहीं थे, ये दूसरी जाति सूचक शब्द नहीं लगाते थे, क्या शब्द लगाते थे जी, आर्य लगाते थे। ऐसे ही हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग, उनको ये बताया जाना चाहिए कि आप अपने नाम के साथ आर्य लगाइए, तभी ऐसा अवसर आएगा कि हमारा राज्य स्थापित हो। तो हम निश्चित रूप से ये कहते हैं पुनः इस देश का नाम संविधान संशोधन नहीं नामकरण किया जाए, इसका नाम पुनः आर्यवर्त रखा जाएगा, और आर्यवर्त नाम रखा जाएगा तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के नाम के साथ क्या जुड़ेगा जी, आर्य। जैसे आज हम कहते हैं हिंदू क्योंकि हिंदुस्तान, ऐसे जब आर्यवर्त नाम होगा तो क्या कहेंगे, ये आर्य जी हैं, ये आर्य जी हैं। तो ये संकल्प हमें लेकर के चलना चाहिए। तो बहन जी हो सकता है आपकी सारी समस्या जो शंका थी उसका समाधान करने में हम सक्षम ना हुए हों, लेकिन आपको एक सूत्र दे दिया है, कुछ स्वाध्याय आप कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। पुनः साधुवाद, अथ शांति पाठ। और